हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी वेबसाइट का आप डोमेन कैसे रजिस्टर करना है। दोस्तों तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिल सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, बता देते हैं कि डोमेन आपको कैसे ख़रीदना है। दोस्तों आपको गूगल वेबसाइट ओपन करना है, गूगल में डालना है गो डैडी। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आ जाएगा गो डैडी डॉट कॉम ऑफिशियल साइट, जिसमें 300 349 रुपये लिखा हुआ है। यहाँ पर डोमेन नेम आपको सिर्फ 199 में ही मिल रहा है, लेकिन उसका होस्टिंग चार्ज भी आपको लगाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताए तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट को इंटरनेट प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी को बैक टू सिक्योरिटी, वन मिनट दोस्तों, अभी ओपन नहीं हो रहा है प्रॉपरली। दोबारा मैंने क्लिक किया है, दोबारा क्लिक कर देता हूँ गो डैडी पे। अभी मैंने गो डैडी वेबसाइट पे क्लिक कर दिया है। देखिए यहाँ पर ये इसका वेबसाइट ओपन हो गया है, 349 में यहाँ पर डॉट कॉम डोमेन मिल रहा है। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते डोमेन, जैसा कि मेरा डोमेन नाम है वेबसाइट का IBHTube, सर्च कर लेता हूं मैं IBHTube। IBHTube को यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं। देखिए यहां पर IBHTube सर्च हो रहा है। ये डोमेन अवेलेबल है जो मुझे 349 में मिल रहा है। तो यहां पर मुझे ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट करने का ऊपर आने वाला कंटिन्यू टू कार्ट करना है। देखिए डोमेन सेलेक्ट हो गया है, अभी कंटिन्यू कर दिया है मैंने। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपको बहुत सारी डिटेल भरना है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है, अभी ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए इसका चार्ज लग रहा है 1,189.44 रुपये। यहाँ पर 1,038 रुपये मिल रहा है, लेकिन हमें एक साल का ही चाहिए, दो साल का नहीं चाहिए। तो एक साल का ही होस्टिंग डोमेन एक साल के लिए ख़रीदेंगे हम तो उसका चार्ज कम हो जाएगा। देखिए हो गया 404 रुपये का, हमें एक साल के लिए चाहिए, 400 रुपये में ये मिल रहा है, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। पहले 99 में मिलता था, अभी ये चेंज हो गया है। और देखिए यहाँ पर अलग अलग भी आ रहा है, दूसरे वेबसाइट की जो है वो भी यहाँ पर मिल रही है, लेकिन कॉस्टली है, वो ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये आपका डॉट कॉम का मिल रहा है 404 में 32 पैसे में। अभी यहाँ पर हमें करना होगा क्रिएट अकाउंट, साइन इन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आएगा आपके पास अगर अकाउंट नहीं होगा तो। अब हम क्रिएट अकाउंट कर लेता हूँ, अभी मैंने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया है। यहाँ पर ओपन हो गया है डिटेल्स, आपको यहाँ पर आपका डिटेल भरना है। सबसे पहले ऊपर ईमेल डालना है, यूज़ नेम और पासवर्ड और पिन डालना है। आपको यहाँ पर कोई भी पिन जनरेट करना है, सपोज़ आपको, देखिए एक मिनट, और आपको पासवर्ड इस तरह से डालना है कि उसमें स्मॉल कैरेक्टर कैपिटल कैरेक्टर होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए और कैपिटल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो मैंने पहले से ही मेरा अकाउंट बना के रखा है, इसके लिए मैं इसको फेसबुक से लॉगिन कर लेता हूँ। फेसबुक से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ मैं, अभी मैंने कंटिन्यू कर दिया है। यहाँ पर कुछ डिटेल ओपन हो जाएंगे जो मुझे फिल करना है, अभी ओपन हो रहा है। ये मेरा नहीं हुआ है फेसबुक आईडी से, तो मुझे क्रिएट ही करना होगा अकाउंट। थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, पूरी डिटेल्स फिल कर देता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर ओपन हो गया है, यहाँ पर मुझे कार्ड नंबर डालना है, मेरा जो ATM कार्ड है उसका कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट है, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालना है, और उसके बाद मुझे यहाँ पर नाम डालना है जो मेरा पटेल है,
और नीचे शाहिद है, यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर मुझे डालना है एक्स वाई जेड जब जो भी है, और नीचे यहाँ पर एड्रेस डालना है, उसके बाद मुझे डालना है यहाँ पर एरिया कोड, पिन कोड जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर मेरा स्टेट डालना है कौन से स्टेट से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ पर सिटी डालना है कौन से सिटी में मैं रहता हूँ, और ये सब डालने के बाद मुझे करना है सेव। सेव करने के बाद जैसे ही मैं सेव कर दूँगा तो मुझे कॉल आएगा कंपनी का, कॉल आने के बाद मुझे पूछा जाएगा कि आपका पिन, यहाँ पर एक पिन जनरेट होगा जहाँ मैंने बताया आपको पिन, यहाँ पर पिन जनरेट होगा, बताएंगे मुझे कि आपका पिन नंबर बताइए, तो आपको पिन नंबर बताना होगा, फिर वहाँ से वेरीफाई होगा और आप एक डोमेन आपका नाम हो जाएगा जो भी आप डोमेन ख़रीदते हैं, और उस डोमेन को आपको देखिए यहाँ पर 3 स्टेप्स है, अभी 2 स्टेप्स बाकी मैं चेक करता हूँ।